अभी हमारे बीच हमारे लाडले स्टूडेंट सीपीओ फिजिकल पास करके थानादार बनने की ओर अग्रसर सतीश शर्मा एकेडमी में पधारे हैं। सभी स्टूडेंट ताले बजाकर इनका स्वागत। किस तरह से इन्होंने अपना हैवी वेट होते हुए भी एकेडमी में आकर सीपीओ का फिजिकल पास किया, किस तरह से मेहनत की और अभी सीपीओ मतलब दिल्ली थाना दिल्ली एसआई मिलेगी इनको बनने की ओर अग्रसर है, समझ गए। तो ये अपने विचार व्यक्त करेंगे कि किस तरह से आप लोगों को तैयारी करना है, कंटिन्यू एकेडमी आना है और हाथ पैरों में शायद इनके जितना दर्द था किसी के नहीं रहा होगा, मैं सच बोल रहा हूँ, लेकिन इन्होंने एकेडमी नहीं छोड़ी और ऐसे होनहार स्टूडेंट ही आगे प्रगति की ओर अग्रसर होते हैं। तो सतीश शर्मा आपके सामने अपने छोटे भाइयों को अपने विचार व्यक्त करेंगे, ठीक है, एक बार वो ताले बजाकर स्वागत करें। भाइयों देखो, सबको एक ही बात कहना चाहूंगा मैं तो, भाई ले उसे डर कर नौका पार नहीं होती और मेहनत करने वालों की कभी पार नहीं होती। सर जो बोल रहे हैं सही है, आता था अकेडमी मैंने नहीं छोड़ी, इतना दर्द था मेरे साथ वाले सबको बताएं आप कितना भयंकर दर्द था मेरे, पर फिर भी मैंने अकेडमी नहीं छोड़ी, मेरे साथ वालों ने छोड़ भी दी लास्ट टाइम तक, मतलब जब तक फिजिकल था ना तब तक मैं आता था, मेरे कुछ मेडिकल इशू भी हुए थे फिर भी सर ने ऐसे बोला तू तो अकेडमी है, वो बात की बात है, फिर भी मैं अकेडमी आता था और मेरा सीपीओ का फिजिकल आज पास है और वो सब सर की दया है, इतना मोटिवेट किया मेरे को कि उसकी वजह से मेरा सीपीओ का फिजिकल पास हुआ। और सर सही बोल रहे हैं, मेहनत करने वाले कभी हार नहीं होती, रेगुलर एकेडमी हो बस यही है, तुम्हारे जो भी इशू हो जो भी प्रॉब्लम हो सबके साथ होती है, प्रॉब्लम किसके साथ नहीं होती, पर यहाँ के रोज मत रहो कि मेरे ये हो गया मेरे हो गया, बस एकेडमी आना है तो आना है और रेगुलर एकेडमी आओ, एक दिन सफलता जरूर मिलेगी अगर वो बंदा अगर मन से मेहनत कर रहा है ना, मैं तो ये मानता हूँ कोई बंदा मन से मेहनत कर रहा है ना हमेशा सफलता मिलेगी। देखो मेरा प्री क्लियर हुआ, मेरे का फिजिकल का कोई नहीं था, मैं आता था 10 मिनट टाइम आता था मेरा शुरू में, जबकि हमको करना 6:30 में था, अकेडमी में आया मेरा कभी 6:30 मिनट टाइम नहीं आया, लास्ट मेरा 6:35 आया था, उसके बाद भी सर ने ऐसे बोला कि कोई बात नहीं तू मेहनत करता जा। और देखो ये जो एक बात सबको बताना चाहूंगा, जो सर वीडियो बनाते ना उसको हमेशा देखा करो, मेरा एक ही आदत था, मैं जो यहाँ पे वीडियो बनाते थे ना उसको मैं डेली घर जाके देखता था, और भाई तुम कमी कहाँ कर रही हो तुम, उस वीडियो को देखो कि कहाँ मैं देखता था कि सब मतलब जो भक्त थे ना बंदे, मतलब मैं लगता ही नहीं था कि मैं भाग रहा हूँ, उस वीडियो में मेरे को ऐसा महसूस होता था कि लास्ट में आके तो ऐसा लगता था जैसे धीरे धीरे चल रहा हूँ, तो बस उसी चीज को मैंने इंप्रूवमेंट करी और लास्ट का जो मैं यहाँ से जो सूट मारता हूँ ना तुम उसको तो पता होगा सबको कैसे सूट मारता था, पूरी जी जान लगा के उसी सूट में आया पूरा करना है जो, और वहाँ पे भी मैंने वही सूट मारा था, उसी से मेरा टाइम डिक्रीज हुआ और मैंने 6:17 में वहाँ पे कंप्लीट किया था। तो वेरी डिफरेंट की बात, देखो अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलते हो ना डिमोटिवेट करने वाले बहुत मिलेंगे आपको इस सूट से, मैं जब सीपीओ का फिजिकल करने आता था ना, हालांकि मेरे प्री में मैं कट ऑफ पास था बस ओनली, तो यहाँ पे तो मेरे साथ वाले किसी के 140 थे किसी के 150 थे, वो सब ऐसे बोलते थे तेरा तो नहीं होगा, मैं ऐसे बोलता था भाई मेरे को फिजिकल पास करना है बस, मैं सेकंड पेपर की सोच ही नहीं रहा अभी, तो मेरे को फिजिकल तो पास हो जाने दो, और उन सबकी याद है तो उनका किसी का भी फिजिकल पास नहीं आता और सिर्फ मेरा फिजिकल पास है। और यही रीजन की बात, लोग बोलते हैं कि यार मैं पढ़ने में वैसा हूँ मेरे को नहीं आता, मैंने जब इंग्लिश का फर्स्ट पेपर दिया था वो अगर देख सकता है मेरे टेक्स्ट बुक पे मात्र 200 में से 6 नंबर आए थे मेरे, कितने आए थे फिजिकल पास होने के बाद 200 में से ओनली 6 नंबर आए थे मेरे, उस टाइम भी डिमोटिवेट करने वाले खूब मिले पर मैं हिम्मत नहीं आ रही, मेरे को बोला यार मैंने मोटिवेशन वीडियो देखी, मैं बोला इंसान ही तो करता है, अरे वो जो करने वाला है पढ़ने वाला भगवान तोड़े ही है अपनी तो पढ़ते हैं, मैंने मेहनत करी, मैंने सोचा चलो ठीक है 6 के बाद मेरे 29 आए, 29 के बाद 65 आए, 65 के बाद 85 आए और आज मेरे 115 नंबर आ रहे हैं अभी तक प्रेजेंट टाइम में, और मेरा अगला टारगेट ये है कि मेरे 125 प्लस नंबर आए, देखो मात्र ही 2 महीने का इंप्रूवमेंट है, बस मैंने ठान ली, बात इतनी सी है जिंदगी में कभी इंग्लिश नहीं पढ़ी मैंने, सही बात बता रहा हूँ, पर अब जब 2 महीने ऐसे हैं कि मेरे को मेरा फ्यूचर दिख रहा है, वो दो सितारे ना वो दिखते हैं कि जब वो वर्दी पे लगेगा ना तब कैसा लगेगा, तो देखो आप जिसकी तैयारी कर रहे हो ना उसके बारे में सोचो एक बार कि आप कैसे लगोगे, तो अभी भी मैं देखता हूँ ना तो बस वो 2 स्टार दिखते हैं मेरे सीने से, भाई वो 2 स्टार लगे उसी को देखते हैं, मैं मेहनत कर रहा हूँ और मैं खुश हूँ, अगर मेरा नहीं भी होता है तो पर मैं मेरे इंप्रूवमेंट से इतना खुश हूँ कि लाइफ में इतना कुछ सीख गया मैं यहाँ पे आके, कि तुम मेहनत करते जाओ सफलता एक दिन तुमको जरूर मिलेगी,
बस यही है, कोई जरूरी नहीं है आर्मी में ही हो, पर अगर तुम मेहनत करोगे ना तो कहीं भी असफल नहीं होगा, हमेशा सफलता तुमको कहीं ना कभी कभी ना कभी तो सफलता जरूर मिलेगी। पर यही है कि सच्चे दिल से मेहनत करो, ये नहीं दो दिन अकेडमी आ गए तीस, अरे यार छोड़ यार कल चल लेंगे, ऐसा नहीं भाई, जाना है तो जाना है, बस मेहनत करते जाओ, सफलता एक दिन जरूर मिलेगी, मेहनत करने वाले को जरूर सफलता मिलेगी। ये मैंने दो तीन साल के एक्सपीरियंस से मैंने सीखा है कि अगर आप तुम मेहनत करते हो ना तो तुम कहीं फेल नहीं होगे लाइफ में, कहीं फेल नहीं होगे, कहीं ना कहीं तुमको सफलता जरूर मिलेगी। बस इतना ही कहना चाहता हूँ, और बस यही है, मेहनत करो, मेहनत का फल जरूर मिलेगा तुम्हें। नाले के साथ एक बार भाई का स्वागत करो तेज सभी। माता की जयकारे लगाएंगे, ठीक है? भारत माता की, ठीक है? ओके, बोल भारत माता की जय, की जय, की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, बोल बजरंग बली की जय, की जय, की जय, हनुमान के ओंकार।